hello everyone welcome back to my channel so i hope you all are well and your examinations preparation must be going well also so in this video i will going to again share the most important questions of psc second year from geology uh, paper and uh, this the uh, this is means today's topic is uh, the human physiology and biochemistry. So, as you all know, in the previous videos, in the last previous videos, I already uploaded the most important questions of the whole botany slabbers and geology first paper and second paper slabbers. Okay. So, if you are interested, so you can watch that videos also. The link is in the description box and you can also visit on my channel because there are so many beneficial videos which are still waiting for you and yeah they are really beneficial for you okay so now uh, let's move on the video and uh, please if you are new on my channel subscribe and press the bell icon because it motivate me so much to upload more and more content for you all that helps you in your examination in your study okay so please please subscribe and yeah before starting this video uh questions means there are lots of questions दैट श्यू ड्रॉप इन माई कमेंट बॉक्स सो आई जस्ट वॉन्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं क्वेश्चन को डिस्कस करती रहूँगी आप लोगों के साथ जिन्होंने भी मीन्स क्वेश्चन भेजे होंगे तो मैं देखो आप सभी का टाइम बहुत ज़्यादा मीन्स इस टाइम पर क्या है इम्पोर्टेंट है मैं वेस्ट नहीं करूँगी और मैं पहले बकवास नहीं करूंगी क्योंकि अगर मैं पहले आप लोगों को सारी चीज़ें क्वेश्चंस का जवाब देने लगूंगी तो चार पाँच मिनट तो वैसे ही चले जाएंगे एंड फिर आप लोग बोलोगे क्या दीदी हमेशा बस ज्ञान देती रहती हो ठीक है तो वो चीज़ नहीं सुनना है हमको तो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं आप मुझे नाम नहीं पता है मैंने नाम नहीं याद किए मुझे क्वेश्चन याद है तो मैं वो बोलती रहूँगी लेकिन लास्ट में ठीक है जिन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं मीन्स कमेंट में किए थे वो वेट करके लास्ट तक देख लेना लास्ट में मैं बता दूंगी आपको और जो लोग नहीं किए हैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछे हैं तो आप लोग मतलब वीडियो छोड़ करके जा सकते हो अपने क्वेश्चन देखने के बाद बट या आई कैन टेल यू कि वो जो क्वेश्चन हैं वो सभी के लिए इम्पॉटेंट हैं बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स ने भेजे थे वो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में वो सारे सवाल रहते हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप लास्ट तक देखना लेकिन स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप बस क्वेश्चन देख के जा सकते हो ठीक है सो नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो नाउ सो द टूडेज क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी इज कि देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी में यू ऑल नो कि डाइजेशन आता है रेस्पायरेशन आता है सर्कुलेशन आता है एंड इंडोक्राइन ग्लैंड आता है ठीक है एज वेल एज द नर्वस ठीक है नर्वस भी आता है तो यहाँ पर uh, सबसे पहला जो है वो डाइजेशन से एक ही क्वेश्चन आपको तैयार करना है कार्बोहाइड्रेट uh, के एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के बारे में किसके कार्बोहाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च ठीक है देन द सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम रेस्पिरेशन जिसमें आपको रेस्पायरेटरी गैसेस के बारे में आपको पढ़ना है डेट इज वो कार्बोमीन जो सी ओ टू एंड ओ टू वाला होता है ना उसके बारे में पढ़ लेना है आपको और जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोग को ब्लड क्लॉटिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीन्स ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा वो भी देख लेना कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या क्या होता है फाइब्रिनोजन फाइब्रीन आ, कौन कौन से आ, एलिमेंट रिक्वायर पड़ते हैं ये सब देख लेना थोड़ा जो नेक्स्ट है वो है वेने सॉरी राइट एन अकाउंट ऑन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हाउ ब्रीथिंग इज रेगुलेटेड इन मेमिलियन बॉडी ये देख लेना फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड एक्सप्लेन देअ फंक्शन इन अनेट्रिक ट्रांसमिशन तो एज यू ऑल नो कि बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं लाइक like एसिटाकोलिन एक होता है वो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वही मतलब इसमें आपको पढ़ना है वो देख लेना फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन किडनी बॉमंस कैप्स्यूल एंड ऑल ठीक है वो सब देख लेना जो पी सी टी डी सी टी और सारा होता है ना फिल्ट्रेशन कहाँ होता है बताओ ग्राम जो बॉमेंस कैप्सूल होता है ग्रामिलस होता है वहीं तो होता है ना तो वो चीज़ याद कर लेना एंड मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये सब के, इस, मतलब आपको एक सरप्राइज़ ही मिलेगा वैसे अब सरप्राइज़ रह ही नहीं गया यार मैं हमेशा ही बोलती रहती हूँ ठीक है ये जो पेपर है ना इस पेपर का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा मैं आप लोग को अभी बता दे रही हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए स्पेशली कि मैं क्या करने वाली हूँ नोट्स के लिए ठीक है तो थोड़ा रुक जाओ ये क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डू अंडरस्टैंड बाई द टर्म कार्बोहाइड्रेट गिव एन अकाउंट ऑन द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो एज यू ऑल नो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसको डिफाइन करना है और मोरोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड ऑलिगोसेक्राइड डाई इन सब के बारे में लिखना है और उनके क्या करना एग्जाम्पल्स को भी आपको बताना है ठीक है फिर जो क्वेश्चन है गिवन अकाउंट ऑन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइनो एसिड एंड डिस्क्राइब अबाउट पेप्टाइड लिंकेज सो so, यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज हीरो है उसको आपको तैयार करना ही पड़ेगा क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है ठीक है वाटर लिपिड्स गिव देयर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये भी आएगा मतलब आ सकता है मैं पेपर थोड़ी बनाऊंगी फिर डिफाइन एंजाइम्स एंड ऑल्सो अस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एंजाइम एक्टिविटी एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम लॉन्ग इज राइट अबाउट द वाटर सोल्युबल एंड फैट सोलबल विटामिन लाइक अब आप लोग मुझसे ये कहोगे दीदी सब तो बता दिया अब इंडोक्राइन के बारे में बता दो तो इंडोग्राइन में देखो मैंने कोई क्वेश्चन इसलिए नहीं चूज़ किया मैं चाहती तो क्वेश्चन चूज़ कर सकती थी बट मैं लिटरली कोई क्वेश्चन नहीं बताऊँगी क्योंकि इंडो में आप लोगों को देखो जितने भी ग्लैंड हैं ना उन, उन वो क्या सिक्रीट करते हैं उनका टारगेट ऑर्गन क्या है ये सब आपको थोड़ा तैयार करना पड़ेगा ठीक है और या सो शॉर्ट नोट्स मतलब डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कुछ कि देखो टेलीग्राम पे तो मैं नोट्स दे दूंगी दे ऑल आर इन मज़ा कि ठीक है दीदी से नोट्स मिल जा रहा है और क्या चाहिए ठीक है और या हेल्पफुल होगा तभी तो वो लोग आ रहे हैं और मतलब टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सजेस्ट यू ऑल कि अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो प्लीज़ चेक राजपूत आचल ठीक है मतलब फॉलो कर लो जा करके वहाँ पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा राजपूत आचल के नाम से और सेम जैसा uh, यहाँ का लोगो है ना यूट्यूब का वही मैंने टेलीग्राम पर भी लगाया है तो आप लोग देख सकते हो तो वो मिल जाएगा तो आप जो भी लोग टेलीग्राम पे हो वो सर्च करके जाके अभी ज्वाइन कर लो और जो लोग नहीं हैं तो उनके लिए मैं ये करूँगी कि देखो अब जुआलॉजी का भी ख़त्म कर दिया मैंने तीन तीन पेपर अगर केमिस्ट्री बोलोगे इंसिस्ट करोगे तो मैं करूँगी आप लोगों के लिए ठीक है वो भी कर दूँगी लेकिन अब जुआलॉजी कर दिया तो मेरा जो कोर्स सब्जेक्ट है वो बॉटनी जुअलॉजी है तो वो मैं क्या करूँगी अब इसके बाद से मैं ये कोशिश करूँगी कि अभी आप लोगों को मुझे ये बताना है कि पेपर का पैटर्न क्या होता है और पेपर में लिखना कैसे है लाइक बहुत सारे बच्चे घबराए हैं इस टाइम क्योंकि उन्होंने फर्स्ट पेपर दिया ही नहीं है ना फर्स्ट ईयर का वो लोग पास आउट हो गए ऐसे ही तो सेकेंड ईयर में जो बच्चे आए हैं वो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं मीन्स उनके अंदर थोड़ा डर है कि मैं कैसे पेपर दूंगी या दूंगा तो इसलिए मैं जब ये वीडियो बनाऊंगी ना कि आपको पेपर का पैटर्न क्या मिलेगा तो उस टाइम पे मैं उसमें क्या करूँगी कि भले कितनी भी पीडीएफ हो लाइक थर्टी फोर्टी पीडीएफ कितनी भी पीडीएफ होगी आपके नोट्स की मैं सारे के सारे पी को उस एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अब वो वीडियो कब आएगी उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेना आप और सब्सक्राइब कर लो इसके लिए ठीक है उसमें जितनी भी वीडियो जो जो भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया होगा एज़ इट इज़ मैं उसकी उस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो मैं कोई भी अनफेयर ना यूट्यूब के मतलब बच्चों के साथ करूंगी और ना ही अपने टेलीग्राम वाले बच्चों के साथ करूंगी ठीक है तो उसके लिए आप बेफिक्र हो जाओ आप, आप ये मत सोचना कि टेलीग्राम वालों को मिल रहा है और मुझे स्पेशली टेलीग्राम बनाना पड़ेगा नहीं आप जिसमें कम्फर्टेबल हो हम उसमें कम्फर्टेबल हैं ठीक है तो मैं यही करूँगी जोअल जी वालों मतलब जोअल जी कह रही हूँ सॉरी मतलब यूट्यूब वालों आप लोग को भी मैं नोट्स टाइम मतलब आपके पेपर स्टार्ट होने से पहले मतलब दो ही तीन दिन बाद मैं आपको नोट्स सारे प्रोवाइड कर दूँगी ठीक है तो ये सब हो गया आप लोगों के लिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिया शॉर्ट नोट्स में मुझे आप लोगों को बताना है फेरोमोन्स एंड हार्मोन्स ठीक है ये पढ़ लेना इंडिविजुअल भी पढ़ लेना और दोनों को डिफरेंस भी पढ़ लेना और सिमिलैरिटीज भी पढ़ लेना ठीक आइसो एनजाइम एंड कोएंजाइम पढ़ लेना मोनोसेक्राइट कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ोगे तो हो जाएगा फिर फिजियोलॉजिकल बफर्स क्या होते हैं ये पढ़ लेना जर्टर आयन एसिड वाला समझ ही रहे हो वो पढ़ लेना हाइड्रोलिस ऑफ फैट और हेलो एल्कोहल्स और कार्डियक साइकिल कार्डियक साइकिल देखो आई डोंट थिंक कि मेरे उस वाले नोट्स से मिलेगा ओके okay, इसमें so, मतलब है मेरे पास कार्डिक साइकिल का भी नोट्स मैं दे दूंगी आपको फिर ब्लड कॉर्पसल्स ये भी आपको मिल जाएगा कुछ भी अनफ़ेयर नहीं होगा बिलीव करो मेरे ऊपर ठीक है इतना बिलीव करता है वो तो कि आप लोग के साथ मैं कुछ भी अनफ़ेयर नहीं करूंगी आप लोग बस सपोर्ट करते रहो ठीक है और कुछ भी नहीं चाहिए बस सपोर्ट करो कि क्योंकि मुझे भी बनना है यार मुझे भी मतलब एक ऐसा टीचर बनना है जो हर एक बच्चे की हेल्प करे ठीक है और लिटरली अभी तक मैं बोलती हूँ कि मैं आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ बट मेरा गोल तो यही है ना मुझे प्रोफेसर ही तो बनना है ना तो अभी से क्यों नहीं ठीक है तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज और देखो अब बात करते हैं अब देखो जिसको जाना है वो जा सकता है लेकिन जिसने कमेंट किया था वो अब अब उन लोगों की बात है तो देखो नाम मुझे मैं नाम नहीं ले रही हूँ बिकॉज कि मैंने सामने अभी मोबाइल नहीं खोला हुआ है बट मुझे क्वेश्चन सबके याद हैं तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ स्क्रीन पे आप लोग के नेम और क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोग पढ़ लेना ठीक है तो समवन आस्क मी अबाउट दी वीडियो अपलोडिंग इन हिंदी तो देखो आई एम रियली सॉरी अबाउट डैड जिन्होंने भी कमेंट किया है आई एम रियली really सॉरी क्योंकि मैं हिंदी में बहुत ख़राब हूँ मतलब आप आप लोग समझ लो कि अगर एक सी बी एस ई बोर्ड वाला इंसान हिंदी पढ़ने लग जाए या हिंदी बताने लग जाए तो फिर क्या हालत होने वाली है मैं लिटरली बता रही हूँ मेरी हिंदी बहुत ख़राब है ठीक है और किसी की नहीं होगी बट मेरी है अगर मैं आप लोगों को कुछ गलत बता दूँ तो मतलब वो आप लोग के लिए आप लोग के साथ अनफेयर होगा मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही लेना चाहती हूँ जितने में मैं अपना हंड्रेड परसेंट दे सकूँ अगर मैं कुछ गलत बताऊँगी ना तो फिर वो आपके करियर करियर क्या मतलब साल पे इफ़ेक्ट होगा मैं कुछ बता दूं आप वो क्वेश्चन नहीं आए या फिर कुछ गलत बता दूं तो वो फिर आप लोग के साथ गलत होगा ना और आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे आप मेरा क्या कर पाओगे कुछ नहीं लेकिन आपको रिग्रेट होगा तो इस वजह से मैं कोई भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहती हूँ जिसमें मैं खुद भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ सो so, उसके लिए आई एम रियली सॉरी मैं हिंदी में अपलोड नहीं कर पाऊँगी या द सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट कि दीदी हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं तो यार मैं हर बार आप लोगों से बताती हूँ कि देखो बाईलिंगल होता है आप लिख सकते हो लेकिन इंग्लिश मत यूज़ करना जैसे कि जो आप लोग व्हाट्सएप पर बात करते हो ना कि इंग्लिश में जैसे आप किसी को लिखना हो कि और भाई क्या कर रहे हो तो आप और भाई क्या कर रहे हो इसको या तो इंग्लिश में नहीं लिखते हो कि भाई व्हाट आर यू डूइंग या ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग ये नहीं लिखते हो या फिर प्योर हिंदी में भी नहीं लिखते हो कि भाई आप क्या कर रहे हो आप डायरेक्ट लिख देते हो ना हिंदी इंग्लिश हिंग्लिश वाला चीज़ ठीक वो नहीं करना है आपको उसके अलावा आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिखो लाइक हर्ट को आप हृदय नहीं लिखना चाहते हो आपको नहीं पता है तो आप हर्ट ही लिख के आओ लंग्स को आप अब मुझे भी नहीं पता लंग्स को क्या कहते हैं हिंदी में अब देख लिया ना मेरी कितनी हिंदी ख़राब है तो लंग्स को क्या कहते हैं ये आपको नहीं पता तो आप लंग्स लिखो जो मेन वर्ड है ना जो मेन टर्म है आप उसको हिंदी बनाने की कोशिश मत करो आप लिख सकते हो हिंदी इंग्लिश एंड वन मोर थिंग इसके देखो मैं यहाँ आप लोग को बता रही हूँ क्योंकि मैं जहाँ पढ़ती हूँ वहाँ ये चीज़ें हैं ठीक है वहाँ ये चीज़ें थी सॉरी लेकिन अब आपकी यूनिवर्सिटी में आपको क्या अलाउ किया जाता है इस ये मैं नहीं ना जान रही हूँ अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं तो ये काम आपका है आप इस वर्क को करो आप अपने सीनियर या फिर अपने प्रोफेसर से पूछो कि सर इस हमारी यूनिवर्सिटी में बायोलिंगल लैंग्वेज है या नहीं है क्या इफेक्ट पड़ेगा ये काम आपका एडियर आप ये करो तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा सीरियसली हो जाओ और इसको अपने सीनियर से पूछो जो आपके प्योर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से है तो ठीक है और थर्ड क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नहीं था मतलब समवन मी कि भाई बहुत डर लग रहा है मुझे किसी ने पूछा था तो डियर देखो लड़की ही थी तो सिस्टर आई जस्ट वॉन्ट यू कि पहले काम डाउन हो जाओ कोई डरने की जरूरत नहीं है पहली बार थोड़ी देर हो यार पेपर ट्वेल्थ तक पेपर ही तो दिया है ना हम मान रहे हैं कि आप बी फर्स्ट ईयर में नहीं पेपर दियो सेकेंड ईयर में दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है ट्वेल्थ तक तो दिया था ना पेपर इन्वायरमेंट में तो बैठे हो ना आप कोई दिक्कत नहीं आप फेल कैसे हो जाओगे हम हम आपको नहीं जानते हैं तो भी हमको आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप ख़ुद पर भी कॉन्फिडेंस रखो क्वेश्चंस पढ़ लो क्वेश्चन तैयार करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो समझ लो कुछ कुछ टॉपिक्स को जो ना समझ में आए मुझे बोलो मैं आप लोग को बताने के लिए तैयार हूँ लेकिन अपना मोराल डाउन नहीं करो कि मैं फेल हो जाऊँगी नहीं आप नहीं फेल होगी ठीक है तो हमेशा बी मोटिवेटेड एकदम पास होंगे क्यों नहीं पास होंगे हम नहीं पास होंगे तो कौन पास होगा यार कौन पास होगा बताओ हम ही लोग पास होंगे ना तो एकदम आराम से एकदम मतलब जुनून अंदर भर के और तैयारी करो ठीक है और एक और क्वेश्चन था Uh, मतलब क्या क्वेश्चन था मैं भूल गई ओके लेट मी प्लीज़ रिमेंबर इट गिव मी सम ओके केस द क्वेश्चन वॉज कि आपने में से किसी ने मुझसे पूछा था कि पासिंग मार्क्स जो होता है लाइक like वो सारे पेपर्स को एग्रीगेट करके मतलब मिला के पासिंग मार्क्स होना चाहिए या फिर इंडिविजुअली होना चाहिए तो उसका जवाब ये है कि यस, yes, इंडिविजुअली आपको पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे लाइक आई थिंक द पासिंग मार्क्स इज़ सेवेंटीन बिकॉज जनरली मैं पासिंग मार्क्स के बारे में कभी सोचती भी नहीं हूँ कि क्या पासिंग मार्क्स है और ये कभी भी किसी स्टूडेंट को नहीं सोचना चाहिए कि पासिंग मार्क्स क्या है ठीक है क्योंकि जब आप पासिंग मार्क्स सोच लेते हो तो फिर आप बस उसके लिए मेहनत करते हो और फिर उससे कम ही आता है तो ये कभी मत सोचना और हाँ जैसे जोआलॉजी के पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री हैं तो आपको इंडिविजुअली हर एक पेपर में आपको पासिंग मार्क्स दैट इज सेवनटीन से लाना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आप तीनों को मिला करके सेवेंटीन ले करके आओगे ठीक है सो दैट्स ऑल अबाउट द टू डेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट एंड यू विल ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल ओके सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ आपको बहुत सारे पी भी मिल जाएंगे और अब जब पेपर बता दिया है तो जो भी आपको टर्म या फिर आपको कुछ भी हार्ड लगेगा तो जस्ट ड्रॉप टॉपिक ठीक है टॉपिक नेम आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी की पूरी कोशिश करेंगे और जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों के साथ रहेंगे तो जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक तो हम आपके साथ रहेंगे पेपर होने के बाद आप लोग मत मुझे छोड़ के चले जाना ठीक है ये नहीं कि बस पेपर हो रहा है तब तक ही साथ में है तो पेपर के बाद भी साथ रहना सो थैंक यू बाय बाय टेक केयर बी हैप्पी एंड कीप स्म